माई चैनल, आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिप्स के बारे में। जैसे हमारे चेहरे को चमकाने के लिए हमें फेशियल की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारे लिप को भी पिंक बनाने के लिए एक फेशियल की जरूरत है। तो ये हम हमेशा इग्नोर करते हैं, तो इसीलिए हमारे लिप ड्राई, चप या फिर पिगमेंटेड लिप्स होता है। तो लिप को घर पे ही एक इजी तरीके से हम फेशियल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप फेशियल में हम करेंगे स्क्रब। स्क्रब करने के लिए आपको चाहिए कॉफी और शुगर। ये मैंने पाउडर घर पे ही बनाया, होममेड। चलिए देखिए ये मैंने कैसे बनाया ये पेस्ट, एंड इसके साथ स्क्रब करते हैं। लिप स्क्रब बनाने के लिए पहले हम लेंगे शुगर। यहाँ से मैं थोड़ी सी शुगर ले रही हूँ, उसके साथ मैं ऐड करूँगी कॉफ़ी। हमें लिप फेशियल का पहला स्टेप जो है वो हमें अपने लिप को स्क्रब करना है। तो स्क्रब करने के लिए कॉफ़ी एंड शुगर, ये दोनों काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे लिप्स के लिए। इससे हमारे लिप्स में जो भी पिगमेंटेशन होता है एंड ऑल जो चीज़ होती है वो रिमूव हो जाती है। कॉफ़ी एंड शुगर को आप इस तरीके से मिक्स कर दीजिए, एंड इसको इस तरीके से मिक्स करने के बाद आप किसी कंटेनर में स्टोर कर देना। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कॉफ़ी और शुगर की स्क्रबर को मिक्स करके एक कंटेनर में स्टोर कर दिया है। इसे मुझे जब भी अपने लिप स्क्रब करना होता है मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको अब हम स्क्रब करेंगे। देख लिया कि ये स्क्रब कैसे बनना है। तो इस तरीके से आप इसे कंटेनर में स्टोर कर दीजिए। आप इसको लगभग 15 दिन स्टोर कर सकते हैं। मैं इस तरीके से इसको स्टोर कर देती हूँ। फिर इसके लिए हमें चाहिए एक टूथब्रश एंड थोड़ा सा स्क्रब इसके ऊपर ले लीजिए, जैसे आप टूथपेस्ट लेते हैं। एंड अभी आपको लिप को स्क्रब करना है इसके साथ। स्क्रब कर लिया। आप चाहे तो फिंगर टिप के साथ भी इसे हल्के हाथों से स्क्रब कर सकते हैं। स्क्रब करने से हमारे लिप के ऊपर जो डेड सेल जमा होते हैं वो डेड सेल निकल जाते हैं और हमारे लिप जो है वो थोड़ा सा हाइड्रेट फील होता है। तो इस स्क्रब को हमें हफ्ते में 2 बार जरूर ही करना है। नेक्स्ट हम स्क्रबिंग के बाद फेस पैक बनाने के लिए ये लेंगे हल्दी, यानी कि टर्मरिक। ये रॉ टर्मरिक है, यानी कच्ची टर्मरिक है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इस टर्मरिक को हम ग्राइंड कर देंगे एंड इसे दूध के साथ मिक्स करके एक फेस पैक बनाएंगे। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड ये एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल भी है। तो आपके लिप के ऊपर जो डिस्कलरेशन है उसको दूर करने के लिए हल्दी और मिल्क का ये जो फेस पैक है ये काफी हेल्पफुल है। हमने हल्दी को ग्रेट कर लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। इस तरीके से मिल्क ऐड कर देंगे। जो ये हमारा हल्दी का पैक है लिप के लिए ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम लिप पे इस पैक को अप्लाई करेंगे। अभी पैक रेडी है, इस पैक को हम अपने लिप पे अप्लाई करेंगे एंड इसे लिप पे अप्लाई करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दिया है, आप देख सकते हैं लिप्स पे थोड़ी सी हल्दी की कलर आ गई है एंड लिप थोड़ा सा हमारा जो है लाइटन हो गया है। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में हम अप्लाई करेंगे लिप सीरम। तो लिप सीरम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए चलिए देख लेते हैं। लिप सीरम को बनाने के लिए यहाँ पे मैं लूंगी एक बीट रूट। बीट रूट में विटामिन सी एंड पोटेशियम बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके लिप जो डार्कन लिप होता है उसे लाइट करने में मदद करता है एंड लिप को एक पिंक कलर, नेचुरल पिंक कलर देता है। एंड इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे एक विटामिन ई के कैप्सूल। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप इस विटामिन ई के कैप्सूल को बाय कर सकते हैं। उसके साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पे कोकोनट ऑयल। मैं ले रही हूँ रॉ कोकोनट ऑयल, आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं जो एडिबल कोकोनट ऑयल होता है। कोकोनट ऑयल में विटामिन ए पाया जाता है जो कि आपके लिप को लाइट करता है एंड मॉइस्चराइज करके रखता है। आपके चप्ड लिप के प्रॉब्लम जो है वो कोकोनट ऑयल से बिल्कुल ही सॉल्व हो जाता है। तो चलिए ये लिप सीरम को तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने बीट रूट को ग्रेट करके उसके जूस निकाल के इस ग्लास कंटेनर में स्टोर कर दिया है। इस लिप बाम को आप काफी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, इसलिए मैं ये ग्लास कंटेनर का यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप बीट रूट के जूस निकाल लीजिए। इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 ड्रॉप कोकोनट ऑयल। तो इसको इसमें हम मिक्स कर देंगे कोकोनट ऑयल को। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे ये विटामिन ई के कैप्सूल। इसको हम इसमें थोड़ा सा कट करके इस तरीके से ऐड कर देंगे इसके अंदर जो भी ऑयल है। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। ये जो लिप सीरम है, अभी हमारा ये लिप सीरम बिल्कुल तैयार है।
तो जो लिप सिरम हमने बनाया है इसको मैंने इस तरीके से ग्लास कंटेनर पे स्टोर कर दिया है। आप इसको 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लिप सिरम को अपने लिप पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करके आप अपने लिप से 5 मिनट तक रखें, उसके बाद आप इसको वॉश करें। अब हमने लिप सीरम को जो अप्लाई किया था उसको मैंने लिप से हटा दिया है। आप देख सकते हैं लिप थोड़ा सा स्मूथ एंड सॉफ्ट हो गया है, थोड़ी सी पिंक स्ट्रक्चर भी आ गई है इसमें। कोई चीज एक बार लगाने से काम नहीं करता, तो आपको इसे अप्लाई करना है अपने लिप पे कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार। ये सिर्फ आपका 5 मिनट लेता है, ज्यादा टाइम लेता भी नहीं है। सारी चीज बना के आप स्टोर कर दीजिए, आपको जब भी टाइम मिले आप अपने लिप का फेशियल कर सकते हैं। ये था आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।